स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्यूम डिजाइन में। दोस्तों, इस प्लान की डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये प्लान टोटल जो है वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। इनका जो टोटल कंस्ट्रक्शन है वो पोर्च छोड़ करके 40 फीट 6 इंच इसकी लंबाई विड्थ रखी गई है और 31 फीट 6 इंच इसकी लंबाई रखी गई है। गाँव का प्लान है तो विंडो आप चारों साइड दे सकते हैं, चारों साइड ओपन एरिया है। इस तरीके से आप विंडो वगैरह आप चारों साइड आप दे सकते हैं। इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाएगा दोस्तों। ये इस बाकी साइड हमने रेलिंग को नया डिजाइन किया। अगर आप चाहें तो बाकी साइड भी आप रेलिंग वगैरह को डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों। मकान के यहाँ पे 2 फीट 3 फीट हमने हाइट है, इस तरीके से आप हाइट रख सकते हैं। विंडो का डिजाइन भी आप देख लीजिए, हमने 2 पिलर के साथ इस डिजाइन को डिजाइन किया है। इसका डिजाइन आप स्क्रीनशॉट लेके मिस्त्री को दे दीजिएगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका मिस्त्री किस तरीके से बना लेगा इस पैटर्न को। आप फिर भी हम समझा देते हैं, फिर 2 इंच छज्जा बाहर निकला हुआ इस तरीके से आपको मिलेगा। पोर्च का जो एरिया है 12 फीट ये आगे निकला हुआ आपको मिलेगा। इस तरीके से स्ट्रेट बनाया, फिर हाइट करके राउंड करके इस तरीके से बनाया गया है दोस्तों। ये पोर्च वगैरह हमने इस तरीके से पूरा डिजाइन करके डिजाइन दिया है दोस्तों। और बाकी पैरापेट वॉल की बात करें तो 1 फीट 6 इंच सेंटर से 1 फीट 6 इंच बाहर राउंड आगे निकला हुआ है इस तरीके से। और इस साइड में आपका इस तरीके से ग्रिल के साथ में डिजाइन दिया गया है। ये 3 पैटर्न पे डिजाइन बनाया गया। बाकी बॉटम में आप देख सकते हैं स्लैब में, स्लैब के बॉटम में भी आपको डिजाइन इस तरीके से मिल जाएगा। रेलिंग की बात करें तो इस तरीके से ग्रिल वगैरह का रेलिंग आपको यूज करके डिजाइन मिल जाएगा दोस्तों। इस पैटर्न पे और इस लुक पे आपके पूरा एरिया पूरा डिजाइन आपको इसी तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये चाहें तो आप ब्रिक्स से या फिर प्लास्टर से इस डिजाइन को बना सकते हैं, पैरापेट वॉल की डिजाइन को। इस तरीके से आपका पूरा एलिवेशन है, अभी मैं पूरा इसका डिस्कस करूंगा, स्लैब का सेक्शन हटा के और सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखें, अभी इसका सारी चीजें अभी आपको बाकी है, चल रहे हैं वॉक थ्रू वीडियो डिस्कस करने, तो वीडियो पूरा देखें। वॉक थ्रू वीडियो की बात करें तो ये आपका पोर्च एरिया है। सबसे पहले आप पोर्च एरिया एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक गेस्ट रूम बना गया जिसका दरवाजा बाहर से रखा गया। पोर्च का जो साइज रखा गया 14 फीट 6 इंच x 12 फीट का साइज रखा गया। गेस्ट रूम का दरवाजा बाहर से ही रखा गया है। ये एक आपका गेस्ट रूम हो जाएगा। इस गेस्ट रूम का जो साइज रखा गया 14 फीट 3 इंच x 12 फीट 3 इंच का। ऊपर आपका सीलिंग लाइट सीलिंग फैन वगैरह आपको मिल जाएगा। नॉर्थ फेसिंग प्लान है, पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 विंडो मिल जाएगी। कॉर्नर का बेडरूम आ रहा है तो 2 विंडो आपको नॉर्मल तरीके से मिल जाएगी। सामने आपका इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपको कुछ इसी तरीके से मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से एक अंदर से भी दरवाजा दिया गया ताकि गेस्ट वगैरह को आप अंदर से भी चाय नाश्ता वगैरह सर्व कर सकें। ये आपका पूरा हॉल एरिया है, 14 फीट 1 इंच x 17 फीट 4 इंच का हॉल एरिया है पूरा। आप देख सकते हैं सीलिंग फैन सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये आपका किचन और पूजा रूम दो बगल बगल बनाए गए हैं। पूजा रूम का जो साइज रखा गया है 10 फीट x 9 फीट का साइज रखा गया है। यहाँ पे भगवान गणेश की मूर्ति हमने स्थापित की है। आप अपने हिसाब से अपने आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको आप यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। भगवान गणेश की यहाँ पे मूर्ति हमने यहाँ पे स्थापित किया है दोस्तों। इसमें भी आपको 2 विंडो मिल जाएगी दोस्तों। और वॉल पे आप देख सकते हैं इस तरीके से टाइल्स वगैरह आप लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। इस तरीके से प्लान को पूरा स्पेस को ध्यान में रख के बनाया गया है तो इसमें स्पेस की आपकी कोई भी कमी नहीं होगी। वीडियो पूरा देखें, अभी मैं इसका सेक्शन प्लान बताऊंगा और ये भी बताऊंगा अगर इसका डाउनलोड लिंक चाहिए तो कैसे आपको साइज वगैरह देख सकते हैं। ये किचन के एरिया है, किचन का जो साइज रखा गया 10 फीट x 8 फीट का साइज रखा गया। इसमें भी आपको एल पैटर्न पर किचन मिल जाएगी, विंडो मिल जाएगी, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह आपको हो जाएगी। इस किचन में आपको कोई भी हीट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये आपका ये सामने ही आपका एक टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। अगर आप इसको चाहें तो ओनली बाथरूम भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको टॉयलेट बाथरूम दोनों बना सकते हैं। पास आपके पास ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका टॉयलेट वगैरह का यूनिट वगैरह इस तरीके से हो जाएगा, शावर वगैरह आपका इसी तरीके से लग जाएगा। एक बैक साइड में विंडो दिया गया, यहाँ से आपका प्रॉपर वेंटिलेशन बैक साइड में विंडो के थ्रू आपको प्रॉपर वेंटिलेशन बैक साइड में होता रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद ये आपका स्टेयर इस तरीके से डॉग लेग में स्टेयर को बनाया है दोस्तों। ये आपका 2 बेडरूम बनाया गया। इस बेडरूम का जो साइज रखा गया है 14 फीट 3 इंच x 12 फीट 4 इंच का साइज रखा गया। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग फैन सीलिंग लाइट वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगी। एक कॉर्नर का बेडरूम है जिसमें भी आपको 2 विंडो आराम से मिल जाएगा, 2 विंडो इस तरीके से इस पैटर्न उस लुक पे आपको 2 विंडो मिल जाएगा दोस्तों। और ये आपके सामने ही आपके इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट इसी तरीके से हमने डिजाइन करके डिजाइन दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको टीवी वगैरह का प्लेसमेंट किया गया है। बाकी स्टेयर को हमने 3 फीट 3 इंच विड्थ में रखा है दोस्तों। राइजर का 6 इंच साइज रखा गया है स्टेयर का, ठीक है। बाकी ये तीसरा बेडरूम, तो टोटल इसमें 3 बेडरूम है। इस बेडरूम का भी साइज सेम है, 14 फीट 3 इंच x 12 फीट 4 इंच का साइज सेम रखा गया। इसमें भी 2 विंडो मिल जाएगी। सामने आपका इस तरीके से टीवी वगैरह का प्लेसमेंट आपको किया गया है। बाकी प्लान आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी इसका पूरा मैं सेक्शन प्लान भी बताऊंगा। सेक्शन प्लान मतलब इसकी स्लैब हटा करके मैं बताऊंगा कि हमने किस तरीके से किस साइज में क्या चीज़ कैसे बनाया है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इस प्लान का PDF आपको बताऊंगा कैसे अगर इसका साइज वगैरह देखना तो आपको कहाँ से मिलेगा। स्टेयर को हमने इस तरीके से बनाया है, यू पैटर्न पे आपका 3 फीट 3 इंच इसके विड्थ है, 6 इंच इसका राइजर है। इस तरीके से स्टेयर को हमने डिजाइन करके डिजाइन दिया है। बाकी ये मल्टी रूम है, मल्टी रूम को बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया है। अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं, आपके पास चॉइस है दोस्तों। अगर कोई मकान हमसे बनवाना है तो नंबर आपको
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं सेक्शन प्लान की तरफ, सेक्शन प्लान में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये रहा सेक्शन प्लान, आप देख सकते हैं सामने आपका इस तरीके से मेन बरामदा हो जाएगा, बरामदे का जो बरामदा बोली पोर्च बोली इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम का दरवाजा बरामदे से ही दिया गया, पोर्च से दिया गया है। ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा इस तरीके से, दो दरवाजे इसमें दिए गए हैं गेस्ट रूम में। पूजा और किचन दोनों बगल बगल दिए गए हैं, पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया गया है क्योंकि मकान जो है नॉर्थ फेसिंग है, तो नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से बनाया गया है तीन बेडरूम के साथ में। और ये आपका दूसरा बेडरूम है, बीच में आपका सीढ़ी हो जाएगा और इस साइड में आपका तीसरा बेडरूम, और इन दोनों बेडरूम के बीच में आपका टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है दोस्तों इस तरीके से। अगर आप चाहें तो बाथरूम भी बना सकते हैं, आपके पास चॉइस है दोस्तों। तो ये प्लान बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पूरा जरूर देखा करें। और इस प्लान का पीडीएफ देखने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं कि हमने किस साइज में क्या चीज़ रखा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल से बनाए रहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।